रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन लाहौर से आपको आज बहुत ही शानदार 10 मरले का एक इंतहाई लग्जरी कंस्ट्रक्शन वाला विला आपको दिखाना है। विला देखकर आपकी तबीयत खुश होगी और बहरिया टाउन लाहौर की सर्विसेज के लिए अबू बकर का नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आपने ज़रूर रब्ता करना है। अपार्टमेंट्स, घर, शॉप्स बहुत ही कम डाउन पेमेंट पर आपको मिलेंगी। तो विला टूर का आगाज करते हैं। एक बहुत ही शानदार विला जो कि रेडी टू मूव है, मुकम्मल फिनिश हो चुका है, वो आपको दिखाते हैं। जनाब ये आप देख रहे हैं फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन की जहां तक मैं बात करूं तो बहरिया टाउन के इस ब्लॉक में फ्रंट ज्यादा है और डेप्थ ज्यादा नहीं है। एक बड़ा शानदार 24 फीट का आपको गेट नजर आ रहा है। और एक चीज और वाजे करूं कि बहुत आसानी से दो गाड़ियां बिल्कुल स्ट्रेट पोर्च में और एक थोड़ी सी टिल्ड या कर्व के साथ लगाई जा सकती है। पोर्च एरिया आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले बिल्कुल सामने जो वॉल तैयार की गई है वो आपको नजर आ रही है। इसके अलावा जो सीलिंग करके लाइट्स लगाई गई हैं वो बड़ी जबरदस्त और शानदार है, आपके सामने है। साइड की लॉबी है और फिर साइड पर जगह छोड़ी गई है वो बड़ी शानदार है। और उसको आप अगर गौर से देखें तो वहां पर ग्रास लगाकर और लाइट्स जो है वो इंस्टॉल करके उसको जरा शानदार बनाया गया। और इससे इम्पोर्टेंट जो एक बहुत बड़ी विंडो आप देख रहे हैं वो विंडो बड़ी शानदार है। और फिर दरवाजे, यहाँ के जो साइड लॉबी वहां पर आप अगर देखें तो बहुत शानदार गमले जो है वो रखे गए हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए गए हैं ताकि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो सके। अच्छा जी, ड्राइंग रूम जो कि बड़ी शानदार जगह होती है, यहाँ उसको आपको एक साइड पर आपको वॉलपेपर नजर आएंगे, बहुत बड़ी विंडो है, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ड्राइंग और लाउंज में आपको पार्टीशन गेट नजर आएगा, दो फैंस हैं, सीलिंग्स हैं। और इसके साथ मैं हमेशा विंडो बड़ी रखने का बड़ा कायल हूं। आप देखें जो वॉलपेपर है और जो टाइल्स हैं, जो स्लाइडिंग डोर या पार्टीशन डोर है, वो दोनों मैच कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ यहीं से रास्ता है लाउंज में जाने का और लाउंज बड़ा शानदार है। मीडिया वॉल वहां रखी गई है वो आपको नजर आ रही है। आप देखें एक जानी मीडिया वॉल है, सीलिंग और पूरे घर के जो फैंस हैं वो डार्क ब्राउन कलर के लगाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स हैं, मीडिया वॉल आपके सामने है। ये है जी एक बेडरूम जो कि आपको नजर आ रहा है जहां पर। अब आप देखें इस बेडरूम में फॉल सीलिंग, वार्डरोब्स आपको जो इसका वॉलपेपर नजर आ रहा है, दोनों साइड्स पर वॉल की वो आप समझ लें कि एक अलमारी तरह की कुछ एक चीज बनाई गई है। अच्छा, अटैच वॉशरूम तो जरूरी है, यहाँ भी डार्क ब्राउन जो टाइल्स हैं वो है, वैनिटी है, सीट्स हैं और इसका दरवाजा है। अच्छा, इस घर में दरवाजे, इस घर में जो डार्क ब्राउन टाइल्स, जो वॉलपेपर्स हैं वो इस घर का खास है। और एक खास चीज और, यहाँ पर बड़ी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी बड़ी बड़ी टाइल्स से खूबसूरती में इजाफा होता है, तो वो इस्तेमाल की गई है इस 10 मरला बहरिया टाउन लाहौर के घर में जो कि मुकम्मल फुली रेडी है और सेमी फर्निश्ड है। अगर हम आपको लेकर चले फर्स्ट फ्लोर पर जहां बड़े शानदार 3 बेडरूम्स हैं, टेरेस है, उससे पहले आपको पाउडर वॉशरूम वो भी मिलेगा इस घर में, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ है। और अब आपको जैसे ही हम ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको बड़ी तैयार चीजें नजर आ रही हैं। ऊपर भी चूंकि डबल यूनिट आप विला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको अभी दिखा रहे हैं लाउंज और इसके साथ अब आप जो खास चीज है वो देखने की है कि ऊपर वाली जो एंट्रेंस है वहां शेंगले लगाया गया है और उसकी वॉल को तैयार किया गया, यानी मीडिया वॉल को भी बड़ा शानदार अंदाज में तैयार किया गया है। ये आप देख रहे हैं मीडिया वॉल, फॉल सीलिंग और जिस अंदाज से शेंगले लगाया गया है, 2 रूम्स, किचन। अब आप देखें ये किचन भी प्रॉपर किचन लग रहा है, जिसके नीचे कैबिनेट्स हैं, ऊपर कैबिनेट्स हैं, स्टोव है, अवन है, फॉल सीलिंग है, सेपरेट डोर लगाया गया है ताकि उसको सेपरेट किया जा सके। अब ये है 3रा बेडरूम जिसमें लाइट थीम रखा गया है। आप देखें
एक साइड पर वॉलपेपर है और उसी साइड की वॉल को नाजरीन तैयार भी किया गया है, आप देख भी रहे हैं। अच्छा अब आप देखें विंडो कितनी बड़ी है, विंडो वाकई शानदार और जानदार है। इस ये वाला बेडरूम है जो कि वॉशरूम के थीम के लिहाज से आपको नजर आ रहा है, जिसमें सीट, वैनिटी, ग्लास, ये सारी चीजें लगी हैं। एक जो आर्टिफिशियल प्लान प्लॉट है वो आपको नजर आ रहा है। आप देखिए पूरे पूरा रूम का एक दफा और व्यू है। ये है जी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर का लाउंज, ये शेंगले मौजूद है, थीम, वॉलपेपर्स और मुख्तलिफ चीजें आपको नजर आ रही हैं। अच्छा ऊपर के जो रूम्स हैं वो लाइट थीम के साथ तैयार की गई हैं। ये है चौथा बेडरूम। अब आप देखें दरवाजे, वॉलपेपर, फॉल सीलिंग, फैंस, वार्डरोब्स, यानी कोई चीज आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगी। हर चीज एक प्रॉपर प्लान के तहत है, एक प्रॉपर सेटिंग के तहत है। इसी तरह इनका वॉशरूम है जहां पर अंदर शेंगले है, बड़ा शानदार ग्लास लगाया गया है, सेपरेट पार्टीशन की गई है वॉशरूम की, बाथिंग पार्ट की, वैनिटी बहुत अच्छी है, फिटेड जो वो आप देख रहे हैं कमोड है। इसी तरह जो फिर इसके अलावा जो एक और बेडरूम है जो कि पांचवा बेडरूम है, उसमें थीम जरा डार्क किया गया, यानी आपको वॉलपेपर ब्लैक एंड गोल्डन नजर आ रहा है, इसके साथ वुड कलर की आपको जो है वो वुडन वर्क आपको नजर आ रहा है। और इसी तरह आप अगर आप एक और चीज देखें जो इसका वॉशरूम है, यहाँ पर लगाया गया है बड़ा ही शानदार ग्रेश एंड ब्लैक जो टाइल्स वो लगाई गई हैं, वैनिटी और ग्लास बड़ा अच्छा है, यहाँ पर बाथिंग टब बड़ा शानदार है, बड़ा ही जबरदस्त है। ये देखें आप एक दफा और फिर से रूम का नजारा वो भी आपको करा देते हैं। और ये फिर से आ गए हैं हम लाउंज में, लाउंज की वॉल को तैयार किया गया है, किचन शानदार है और इसके ऊपर शेंगले बहुत अच्छा है जो कि आप देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर चूंकि दो बेडरूम्स है नाजरीन, और अच्छा लाउंज में बहुत अच्छा शेंगले यूज किया गया है, टाइल्स बहुत अच्छी हैं, मीडिया वॉल है ब्लैक की। इसी तरह रूम्स की जो रूम्स के अंदर जो फॉल सीलिंग है, जो लाइट्स हैं, जो वार्डरोब्स हैं, वो सारी बड़ी ही शानदार है। अब चलते हैं नाजरीन दूसरे बेडरूम की जानिब। दूसरे बेडरूम जो कि पहले बेडरूम के बिल्कुल साथ है, हम आपको दिखा भी रहे हैं, टाइल्स, वार्डरोब, बड़ी विंडोज, और दोनों दोनों रूम्स में आपको एक वॉल पर जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ टाइप का काम नजर आएगा। अच्छा अब आप देखें इस बेडरूम के वॉशरूम में शेंगले यूज किया गया है, जो जो बाथिंग एरिया उसको सेपरेट कर दिया गया है और साथ में सीट मौजूद है। इसी के साथ साथ आपको नाजरीन जो किचन है, जो किचन में सफाई सुथराई, नीचे कैबिनेट्स, ऊपर कैबिनेट्स, फ्रिज आपको मौजूद नजर आ रही है, स्टोव, अवन नजर आ रहा है, बहुत शानदार जो है वो फॉल सीलिंग ड्राइंग में, डाइनिंग में। और इसके साथ साथ आप अगर एक चीज देखें, हर रूम में आपको एसी इंस्टॉल्ड नजर आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस घर के साथ।